नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कोरोना का कहर देश में जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से सियासत भी हो रही है। ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए एक तरफ जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, वो लॉकडाउन लगाने का फैसला कर रही हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को लॉकडाउन लगाने से बचने की सलाह दी है, जिस पर बीजेपी शासित राज्य अमल करते दिख रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर मोदी बनाम विपक्ष की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना से हाल बेहाल, देश में राजनीति भी चरम पर, लॉकडाउन को लेकर विपक्ष के निशाने पर पीएम मोदी, गैर बीजेपी राज्यों में लग रहा है लॉकडाउन। देश में बढ़ते कोरोना के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन की संभावना को खारिज करते हुए ऐसी स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है ये कहा। उन्होंने कहा कि मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली में लॉकडाउन, पीएम मोदी ने राज्यों को लॉकडाउन न लगाने और दूसरे विकल्पों को अपनाने की सलाह तब दी जब देश के कई राज्यों ने अपने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया था। देश में कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के खत्म होने के साथ ही सोमवार को 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की पहल के बाद दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी लॉकडाउन लगाने को लेकर अपने अपने यहाँ पहल करनी शुरू कर दी है। राजस्थान में 15 दिन का लॉकडाउन, अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में 15 दिन का लॉकडाउन लगा रखा है। सीएम गहलोत ने सोमवार को ही यानी 19 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया है। गहलोत सरकार ने इस लॉकडाउन को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। झारखंड में 1 सप्ताह का लॉकडाउन, झारखंड में कोरोना संकट से निपटने के लिए हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार ने राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि गुरुवार को सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। ऐसे में 21 अप्रैल रात 8 बजे से कड़े तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा। कोरोना से निपटने में इस बार लगातार गैर बीजेपी सरकारें लॉकडाउन लगाने की पहल कर रही हैं, तो बीजेपी शासित राज्य लॉकडाउन नहीं लगाने पर अड़े हुए हैं। यूपी में तो हाईकोर्ट को आदेश भी देना पड़ गया, पर राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सहित हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने साफ कह दिया है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक के लिए कई बड़े शहरों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसे लॉकडाउन के बजाय कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा, मोदी के ज्ञान का सार ये था कि उनके बस का कुछ नहीं है और लोग अपनी जान की रक्षा खुद करें। कांग्रेस के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, मेरे बस का कुछ नहीं है, यात्री अपने समान यानी जान की रक्षा स्वयं करें। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने भी कहा, प्रधानमंत्री के भाषण का सार ये है कि लोगों को की जिम्मेदारी अपनी खुद की है, अगर आप इससे पार ला पाते हैं तो किसी उत्सव या महोत्सव में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।